दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए लेकर आए हैं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। यदि आप आईपीएल के फैन हैं तो इन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। आज होगा आईपीएल का फाइनल 2021 बना 2012, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में क्या क्या हुए बदलाव, चेन्नई और कोलकाता के सारे हेड टू हेड स्टैट्स की डिटेल, कौन जीत सकते हैं आज का मुकाबला, आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर बड़ी अपडेट्स और सबसे मजेदार चीज, मैंने आप सभी के लिए वीडियो के लास्ट में एक गिव अवे रखा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और भी ढेर सारी अपडेट्स आपको आईपीएल से जुड़े हुए बताने वाले हैं। आईपीएल 2021 अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और अपने इस वीडियो के जरिए आपको आईपीएल की दुनिया की हर एक जानकारी बताते हैं और हर एक हलचल को कवर करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 301वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों आज आखिरकार आईपीएल का समापन होने वाला है और आखिरी मुकाबला यानी कि फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर और मोबाइल पर हॉटस्टार पर देखना ना भूलें। बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला रहेगा। दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार है फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। एक तरफ जहां चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार ट्रॉफी जीत चुके हैं, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भी 2 बार ट्रॉफी जीते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज कौन जीतेंगे आईपीएल 2021 का खिताब और इतिहास में अपने आप को सुनहरे अक्षरों में जड़ित करवाएंगे। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे एमपीएल फैंटेसी ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको मौका मिलता है 99 टीम बनाने का। जितना ज्यादा टीम बनाएंगे उतना ज्यादा आपके जीतने के चांस बनेंगे। मैं हर मैच के लिए एमपीएल पर टीम बनाता हूं और काफी सारी टीम बनाता हूं, जिसकी वजह से कल मेरी एक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और मैंने 1,000 रुपए जीते भी थे। और एमपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको टीम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एमपीएल पर आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं जैसे कि दीप दास गुप्ता, जो हर मैच का टीम आप लोगों के लिए बनाकर देते हैं। पूरा रिसर्च उनका और पूरा लाभ आपका। आपको उनका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का जो महामुकाबला होने वाला है उसका यह रहेगा मेरा एक टीम, तो रुके किस लिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप को डाउनलोड करें और टीम बनाकर पैसे बनाएं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की अपडेट की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आपको वही देखने को मिलेगी, लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग बनाने के लिए आंद्रे रसल की जरूरत है। हालांकि आंद्रे रसल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, लेकिन वह खेलेंगे कि नहीं इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। यदि आज के मुकाबले में आंद्रे रसल खेलेंगे तो उनके जगह पर साकिब अल हसन को बाहर बैठना पड़ेगा और बाकी की टीम वही रहेगी। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में सुरेश रैना पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबले में उन्होंने नहीं खेला है और रॉबिन उथप्पा ने अपने पिछले मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो यह देखते हुए सुरेश रैना नहीं खेलेंगे और रॉबिन उथप्पा ही रहेंगे और बाकी वही सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों आज बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा और चलिए आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दोनों के बीच अभी तक आईपीएल के इतिहास में कुल मिलाकर 27 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई ने 17 मुकाबले जीते हैं जबकि कोलकाता ने 9 मुकाबले। कोलकाता के खिलाफ चेन्नई का एवरेज स्कोर 158 रन का रहा है, वही कोलकाता का 154 रन का रहा है। जब भी चेन्नई और कोलकाता का मुकाबला हुआ है तब पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम 6 बार जीते हैं और कोलकाता की टीम 1 बार, वहीं दूसरी बार बल्लेबाजी करने पर चेन्नई की टीम 11 बार जीते हैं और कोलकाता की टीम 8 बार। यूएई में चेन्नई और कोलकाता के 3 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई ने 2 जीता है और कोलकाता ने सिर्फ 1। कोलकाता की टीम ने अभी तक पिछले 6 में से 5 मुकाबलों में ओपोजिशन टीम को 140 रन पर रोका है। दुबई का मैदान पर पिछले 8 मुकाबलों में जिस टीम ने चेस किया है वही जीते हैं। मोइन अली सबसे इकोनॉमिकल स्पिनर है दोनों टीमों में से और चेन्नई का 100% का विन रिकॉर्ड रहा है जब भी वह चेस करते हैं यूएई में। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों आज के मुकाबले में 4 बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक कभी भी आईपीएल का फाइनल नहीं हारा है। ऋतुराज गायकवाड़ यदि आज 23 रन और बना लेते हैं तो आईपीएल के इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे जिनके पास ऑरेंज कैप रहेगा। ड्वेन ब्रावो सिर्फ 5 विकेट दूर है लसित मलिंगा के सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड से। लसित मलिंगा ने 171 विकेट लिए हैं आईपीएल में और ड्वेन ब्रावो के आईपीएल में 166 विकेट हैं। अंबाती रायडू अपना 4,000 रन आज पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में एक कमजोर कड़ी खुद कप्तान इयान मॉर्गन है, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में कुछ खास किया नहीं है और अपने नाम पर कई सारे शर्मनाक रिकॉर्ड बना चुके हैं, जैसे कि पिछले 10 इनिंग में उन्होंने एक भी डबल डिजिट स्कोर क्रॉस नहीं किया है। इसके साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि माइकल वोगन की मानी जाए तो आज का जो बेहद ही रोमांचक मुकाबला रहेगा और जो इंपॉर्टेंट मुकाबला रहेगा उसमें इयान मॉर्गन को खुद को ड्रॉप कर देना चाहिए और खुद की जगह पर आंद्रे रसल को शामिल करना चाहिए, क्योंकि साकिब अल हसन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके बाहर होने से टीम काफी ज्यादा मजबूत रहेगी और ट्रॉफी जीतने के चांस भी बढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी इयान मॉर्गन का कोई काम है नहीं। अब अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों अगले साल से आपको 10 टीम देखने को मिलेगा आईपीएल में, और इन 10 टीमों को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इन 10 टीमों में जो खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे वह ऑक्शन से तो किए जाएंगे ही, इसके साथ ही खबर आ रही है कि यदि फ्रेंचाइजी चाहेंगे ऑक्शन के बाहर भी खिलाड़ी को खरीदकर टीम में शामिल कर ले तो वह कर सकेंगे। ऐसा करने के पीछे मकसद रहेगा कि जो नई टीम बनेगी वह कमजोर ना रहे और बाकी की जो 8 टीम रहेंगे उनसे वह बराबरी कर सकें। हालांकि अभी तक इसका प्रोसेस सामने नहीं आया है, लेकिन बस यह एक उड़ता खबर था तो हमने आपको बताया। इस पर सब कुछ क्लियर होगा कुछ दिन के बाद। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स जो अचानक से फर्श से अर्श तक पहुंच गए हैं, उसके पीछे एक बड़ा हाथ रहा है वेंकटेश अय्यर का। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के पहले पार्ट में जो भारत में हुआ था उसमें कोलकाता 7वें पोजीशन पर थे और आज कोलकाता की टीम फाइनल खेलने वाले हैं। इसमें वेंकटेश अय्यर का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि उनके आने से ओपनिंग को बड़ा बूस्ट मिला है। हालांकि बाकी सभी पहले जैसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अकेले ही वेंकटेश अय्यर कोलकाता की टीम के लिए पूरा समीकरण बदल कर रख दिए हैं। और ऐसी खबर आ रही है कि आने वाले ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से रिटेन किए जाएंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अब यह पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजी नहीं करेंगे, बल्कि उनका मुख्य काम रहेगा फिनिशर का। ऐसा नहीं कि वह गेंदबाजी नहीं करेंगे तो उन्हें टीम में नहीं रखा जाएगा, उन्हें एक या दो मौका मिलेगा। यदि वह फ्लॉप होते हैं तो फिर उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा। और आपको बता दें, अक्षर पटेल को स्टैंड बाय खिलाड़ी बनाया गया है और उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर शामिल किए गए, उसके पीछे हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी नहीं करना मुख्य कारण रहा। वहीं आपको बता दें कि जितने भी खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे वह सभी भारतीय टीम के द्वारा बनाए गए बायो बबल में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे आईपीएल खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए हम अलग अपडेट सीरीज चलाएंगे जैसा हमेशा हम चलाते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहें। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस बार का जो प्लेऑफ हो रहा है वह बिल्कुल ही साल 2012 में हुए प्लेऑफ के जैसा है। बस यही है, यहाँ पर कोलकाता और चेन्नई ने अपने रोल को बदल लिया है। जैसे कि साल 2012 में कोलकाता की टीम दूसरे नंबर पर थे और चेन्नई की टीम चौथे पर, और क्वालिफायर वन में कोलकाता की टीम दिल्ली को हराकर फाइनल में पहुंच गए थे। एलिमिनेटर में चेन्नई जीते थे और उसके बाद चेन्नई ने दिल्ली को हराया था और फाइनल में पहुंच गए थे, और उस समय कोलकाता की जीत हुई थी। उसी तरह साल 2021 में चेन्नई दूसरे नंबर पर है और कोलकाता चौथे नंबर पर, चेन्नई ने दिल्ली को हराया और फाइनल में पहुंचे, और फिर कोलकाता एलिमिनेटर जीत गए और उसके बाद फिर क्वालिफायर टू में कोलकाता दिल्ली को हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यदि रोल रिवर्स हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का मुकाबला चेन्नई जीत सकते हैं, तो सारे ऑड्स चेन्नई की तरफ हैं, तो यह चेन्नई के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। चलिए देखते हैं अपना दसवां और आखिरी अपडेट। दोस्तों आईपीएल 2021 का सीजन खत्म हो जाएगा और उसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस महीने के अंत तक या तो फिर नवंबर के पहले सप्ताह में आईपीएल के ऑक्शन के नए नियम बताने वाले हैं। 10 टीम रहने वाले हैं, इसलिए सभी टीम बैलेंस रहे इसके लिए नए नियम बनाए जाएंगे, और यह नियम आपको इस महीने के अंत में या तो फिर नवंबर के पहले सप्ताह में पता चल जाएगा, जिसकी जानकारी आपको हम देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और आईपीएल खत्म होने के बाद भी आपके लिए हम आईपीएल के अपडेट्स लाते रहेंगे, क्योंकि आईपीएल का मेगा ऑक्शन इस बार का बहुत ही ज्यादा मजेदार रहने वाला है, तो कोई भी एक्शन मिस ना करें और हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आपके लिए हम एक गिव अवे करने वाले हैं और आप में से एक लकी विनर जीत सकते हैं OnePlus का फोन, और बाकी 49 लोग जीत सकते हैं विराट कोहली के द्वारा साइन किया गया मर्चेंडाइज जैसे कि बॉल, बैट, जर्सी और अमेजोन वाउचर। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से MPL का ऐप डाउनलोड करना है और कुछ सिंपल सवाल का जवाब देना है, तो अभी जाएं और डाउनलोड करें। ऐसी वीडियोस आपके लिए हम हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।